बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स? ठीक हो? खैर खरीत? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हाँ। अज बात मैं अपनी जमीन के उत्ते चक्री लाइए तो एक खास गल मेरे माइंड आई है तो मैं आके मैं अपने व्यूअर्स नाल वो भी शेयर कर गिना। अच्छा व्यूअर्स, तुहानू पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह दे नाल फसल जड़े हैं, कणक हो गई, कनोला हो गया, ये हुण अपने पक्कण उत्ते तकरीबन पहुँच चुके हैं। आखिरी मरहल ये फसल जड़ा है दाखिल हो गई है, चना वगैरह हो गया, जड़े भी इस मौसम की फसल है। तो इस मौसम में अक्सर तो ऑब्जर्व किया हो सी कि इस मौसम के बीच ना मखसूस किस्म दियाँ टिंडियाँ, गांगियाँ, कीड़े पतंगे, मन तो यह समझ नहीं आती, पता नहीं भाई ये इतनी ज़्यादा तादाद कितों आवेने हैं। तुसा भी इस चीज़ को नोट किया हो सी इस मौसम में इतने गंदे गंदे और जहरीले किस्म के पतंगे कीड़े आवेने हैं तो बहुत सारा जड़ा है वो मसला बन जाता है। ये तुसा व्यूअर देखते पाओ कि मैं अपनी अखियों के उत्ते इस टाइम एक सादा जी एक ऐनक लाई वादा हाँ। तो इस ऐनक लावण का मकसद के है ये मैं तुम दसा सा व्यूअर्स, ये जड़े कीड़े पतंगे हैं ये बहुत ज़्यादा जहरीले और नुकसानदेह हैं। मैं थोड़े को इस चीज़ की रिक्वेस्ट करे सा कि तुसा भी इस मेरी वीडियो नू लाजमी देखो, लाजमी देखो और इस उत्ते अमल भी करना है। होर कहें तो अमल करो ना करो, इस उत्ते लाजमी अमल करना है क्योंकि ये तुहारे वास्ते इंतहाई मुफीद है, थोड़ी सेहत वास्ते, थोड़ी अखियों वास्ते। ये देखते पाओ मैं ऐनक जी लाई वदा ना, ये मैं इंजे ना लाई वदा, इस पिछू मखसूस एक मकसद है, खास मकसद है जिस वजह तू मैं लाई वदा। विवर्त इंजे थिया है कि दू दी पहले मैं रात टाइम ते मोटरसाइकिल ते वेंदा पिया हामी सफ़र उत्ते थोड़ा जे बाहर ताई ते एक हालांकि स्पीड ही मेरी इतनी ज़्यादा कोन आई, नॉर्मल स्पीड आई, तो ऐनक मैं कोनम लाई वदा। तो उस उत्ते विवर्त इंजे थिया कि एक टिड़नी को गांगी जड़ी मैं डिठी नहीं उस बड़ी स्पीड आन के ते मेरी अख दे उत्ते आन के लग गई है। उसे लगन की देर आई कि उस भावें मैं डंग मारे है या भावें इतनी जहरीली आई, ये भी थी है मेरी जड़ी सजी जड़ी अख है ना ये उस तो बाद खारिश, दर्द, लाल होवन लग गई है और सुजन लग गई है। ये एक बड़ा सीरियस मसला बन गया है। परसों की गल है, कल वाला दिन मैं अपने तौर उत्ते कोई अर के गुलाब, कोई टकोर शकोर वरफ नाल, कोई ठंडा पानी के छट्टे वगैरह, एक अदा होर ड्राप पे आई वो मैं इस्तेमाल किया, लेकिन उस नाल मैं कोई अफाका नहीं थिया। उस तो बाद विवर्स ऐनक न लावण की वजह तो मेरा ये मसला बन गया कि मैं बिल्कुल मेरी अख जी है वो लाल हो गई है और सुज गई है और शदीद किस्म का पेन शुरू हो गए। अज बकायदा मैं दिन बन के आई स्पेशलिस्ट बन के चेक करवाए, उस मैंने आख्या कि ये जी मक्खियाँ अजकल आई वादिया ने इंतहाई जहरीलियाँ हैं, ये अख दे विच पाए वन या अख दे उत्ते लग वन की वजह तो अंदर सोजिश हो गई है। अगर अख दे अंदर पाए वन तो होर ज़्यादा इन्फेक्शन हो वन, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन कोनी, उस स्पीड जी लगी है उसकी वजह तो सट लगी अख दे उत्ते और सोजिश हो गई है। उस मैंने जनाब वाली 1200 रुपए की दवाई दी है, वो हूँ मैं ड्राप्स पैंदा पिया हाँ, एक कैप्सूल है वो जो मैं अफतारी तो बाद खास हाँ। तो व्यूअर्स मेरी तुहारे को रिक्वेस्ट है कि अपनी अखियों की हिफाजत करो क्योंकि अख जी नेमत ये उन्होंने को पुछो जैसे कल हैं कोना, सानू मुफ्त ये नेमत अल्लाह ताला अता कीतियां, लिहाजा तुसा जड़ा है तो इसकी हिफाजत वास्ते ये बेशक ये हूँ मैं 200 रुपए के पता नहीं 150 रुपए की गिद्दी ऐनक, हालांकि मेरे को पहले दी आई लेकिन उस टाइम मैं कोनम लाई वदा, लिहाजा तुसा इस अपने पक्के मोटरसाइकिल उत्ते रखो और जिस टाइम भी सफ़र करो ये 20-25 दिहाड़े जड़े हैं फसलों वाले ये कीड़े पतंगे जड़े मौजूद हैं इन्हों से बचाओ वास्ते मोटरसाइकिल से वन वास्ते खेतों वो जमीन वो जिथे ही वो इस लाजमी इस्तेमाल करो ताकि थोड़ी अखियाँ महफूज रहेन और मास्क भी लाओ ताकि मूँह भी महफूज रहे, मूँह के भी कीड़े पतंगे न पवेन। तो ये वीडियो व्यूअर्स लाजमी देखो, लाजमी देखो और इस उत्ते अमल भी करो। उम्मीद कहीं कि तुम सारे चैनल में अच्छे तरीके नाल सपोर्ट्स भी कहते पे हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कहते पे हो जिदा सा तुहाड़े शुक्र गुजार हैं। तो इस वीडियो देखने तो बाद उम्मीद है कि तुम होर ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करे सो, सानू होर ज़्यादा सपोर्ट करे सो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।